ये चीज भारत वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को ना जाने कितने दशकों से कहते आया था कि एक्सट्रीमिज्म और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ये दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, जिनको हम सभी देशों को सीरियसली लेना पड़ेगा। कुछ दिन पहले भी अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली एससीओ समिट हुआ था, जिसमें सभी एससीओ सदस्य देशों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर अपनी अपनी राय रखी थी। हमने आपको बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उस एससीओ समिट में भी अपनी स्पीच के दौरान कितने बोल्ड और आक्रामक अंदाज में तालिबान और अफगानिस्तान पर अपनी राय रखी थी, और एससीओ समेत दुनिया भर के देशों को आगाह किया था कि रीजन यानी अफगानिस्तान में जो आज की डेट में ये सब कुछ हो रहा है, वो सब बढ़ते एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरवाद और उग्रवाद के बढ़ने के कारण हो रहा है। इसके साथ पीएम मोदी ने अपनी यूएन की स्पीच में भी इस बारे में मेंशन किया था। हालांकि ये चीज तो दुनिया के सभी देशों को अच्छे से पता है, मगर इसके खिलाफ कार्रवाई बेहद कम देश और दुनिया के गिने चुने लीडर्स ही करने के लिए सामने आते हैं, खासकर ये वेस्टर्न और यूरोपियन देश। ये तो कई दशकों से उल्टा भारत को ही टारगेट करते थे कि भारत कश्मीरियों के राइट सुनिश्चित नहीं करता है, या फिर हम अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ थोड़ी सख्ती दिखा रहे हैं या उनको टारगेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब इनके देश में आए रिफ्यूजीज कट्टरवाद और उग्रवाद वहां पर बढ़ा रहे हैं, तब जाकर कुछ वेस्टर्न देश अब इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, जिनमें सबसे टॉप पर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर फ्रांस, जिसने अपने देश के अंदर बढ़ती इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए बेहद बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने देश के कानून में कई सारे बदलाव किए थे। उन कानूनी बदलावों के बाद ये बेहद बड़ा स्टेप माना जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज 18 के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रांस में कई सारी मस्जिदों पर अब ताला लगा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट ने फ्रांस में बढ़ते इस्लामिक कट्टरवाद से तंग आकर सभी मस्जिदों का निरीक्षण करने का फैसला किया था। मस्जिदों के साथ साथ फ्रांस में कुल 24,000 ऐसी जगहों में जाकर जांच पड़ताल की गई थी, जिनके ऊपर शक था कि वो फ्रांस के अंदर कट्टरवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। उनमें से करीब 650 जगहों को बंद कर दिया गया था। देश की मस्जिदों का निरीक्षण करने के बाद कुल 89 यानी कि 89 मस्जिदों को संदिग्ध यानी डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया था, जिसके बाद अब फ्रांस के होम मिनिस्टर गेरार्ड दार्मामिन ने बताया कि इन सब मस्जिदों के खिलाफ पिछले साल नवंबर 2020 से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और इन पर आरोप लगा था कि ये सारी मस्जिदें फ्रांस में कट्टरवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देती हैं। रिपोर्ट्स अब ये निकल कर आ रही हैं कि 89 में से लगभग 30 यानी 30 मस्जिदों पर लगे आरोप अब सच यानी सही साबित हो गए हैं, जिसके बाद पिछले एक साल के दौरान फ्रेंच गवर्नमेंट ने इन सभी 30 मस्जिदों को बंद करके यहाँ पर ताला लगवा दिया है। होम मिनिस्टर गेराल्ड ने इसके साथ साथ ये भी बताया कि मस्जिदों के अलावा फ्रांस में कई सारे कट्टरपंथी समर्थक संगठनों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं पॉलिटिकल इस्लाम यानी फ्रांस में शरिया लॉ लागू करवाने की बात करने वाले 5 संगठनों को भी सरकार ने रातों रात बंद कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो नया एंटी सेपरेटिज्म लॉ यानी अलगाववादी विरोधी कानून है, वो तो सरकार को इससे भी ज्यादा पावर्स देता है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई सारी कार्रवाई के बारे में बताया, लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट की कार्रवाई से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, बेशक लेट ही सही, लेकिन जब आग अपने घर तक जा पहुंची है, तब जाकर फ्रांस को अच्छे से एहसास हो गया है कि भारत जो इतने सालों से धार्मिक कट्टरपंथी सोच के बारे में चिल्ला चिल्ला कर कहता था, वो एकदम सही था। कट्टरपंथिता किसी भी देश का भला नहीं करती है। वैसे क्या मस्जिदों को सीधा बंद करके वहाँ पे ताला लगवा देना ये फ्रेंच गवर्नमेंट का बिल्कुल सही निर्णय था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।